अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़े तनाव के समय अमेरिका निर्मित 8 अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को मंगलवार को पठानकोट एयरबेस में IAF में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे उन्नत बहुभूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वर्तमान में अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है और अब ये भारत के पास भी है। पठानकोट एयरबेस में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोवा की मौजूदगी में ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। भारत सरकार ने हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ 4,168 करोड़ रुपए में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। 2020 तक भारत को सारे 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि आज शामिल कर लिया जाएगा, भारतीय वायुसेना की ताकत इससे बढ़ेगी। अभी कितने उन्नत है ये भी आपको बता दें, IAF में जो शामिल 8 अपाचे हेलीकॉप्टर किए जाएंगे, 22 अपाचे भारत खरीदेगा क्योंकि जो अभी ये क्षमता है अमेरिका के पास है, इससे उन्नत कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अब ये भारत के पास भी है, ऐसा भारत की वायुसेना को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे ही अपाचे हेलीकॉप्टर काम करेंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए और अब दुश्मन खतरा मोल लेने से पहले कई बार सोचेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर की इस उन्नत शक्ति को आप देखिए, IAF में ये आज शामिल किए जाएंगे और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए ये एक अपाचे हेलीकॉप्टर ही काफी होगा। भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए ये कदम भारत सरकार की ओर से बढ़ाया गया। 22 अपाचे खरीदेगा भारत और अभी ये अमेरिका के पास है और इसके बाद भारत के पास भी होंगे। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन सीधी तस्वीरों के जरिए आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये उन्नत ताकत भारत के पास भी है।